आज की अगली क्वेरी, IEX 1160 में, IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, IEX कितने पे? 160 पे, 700। लेटर ऑफ स्टॉक दिखाइएगा, 160 पे लिया हुआ है, है ना? क्या करें सर, एक गलत बनाइए, 160 बोला मैम ने, आपने तो 450 की प्लेट बना डाली डॉक्टर साहब। ये आ गई, हाँ 160 सही आ गई, सही आ गई, सही। ये क्यों लिया था संतोष मैम, ट्रेडिंग वाला मामला था या लॉन्ग टर्म वाला? पैरल सेट था, मैंने काफी इसमें आन भी किया है, तो मैंने वो फंडामेंटल भी तो अच्छा लगता था, मुझे शेयर अच्छा लगता है, समथिंग फेवरेट, तो मैंने लिया इसको। शेयर अच्छा क्यों लगा? क्योंकि आपने इसके, नहीं नहीं, अच्छा क्यों लगा, आपने फंडामेंटल्स देखे इसके, इसीलिए अच्छा लगा। मैंने लेकर भी प्रॉफिट भी दिया मेरे को काफी। ये गलत आइडिया है, सब लोग वही बता रहे हैं, पहले प्रॉफिट दिया तो हम फिर घुस गए, पहले प्रॉफिट दिया फिर घुस गए, ये गलत है। एक बार दे दिया तो रिविजिट करिए, गिरा क्यों था, क्या रीजन थे, दूसरी बार देगा नहीं देगा, ये मुश्किल काम है, वसूल रहा है सब सबसे पैसा वही स्टॉक। भाई IEX आस्था, ₹15 पर शेयर का लॉस हो रहा है, 160 की खरीद, 145 में खड़ा हुआ है, देखे तो इन्होंने फंड, अच्छा इन्होंने ना फंडामेंटल देखे ना टेक्निकल देखे, वैसे पिछली बार कमा गया था तो इस बार फिर कूद गए हम लोग, इस बार कमा के देगा नहीं देगा ये बताओ बाबा। देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा मैम, फंडामेंटल्स में आप नतीजे ट्रैक करते रहिए हर क्वार्टर के, कभी अच्छे भी आते हैं और कभी बिगड़ते भी हैं, तो उस टाइम आप हाथों हाथ डिसीजन ले सकते हैं। अभी के क्वार्टर के नतीजे अच्छे नहीं आए तो थोड़ा फंडामेंटल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, फिर भी अभी आपको होल्ड करना है क्योंकि राउंड बॉटम फॉर्मेशन हो रही है वीकली चार्ट पे, जिसका की ब्रेकआउट आएगा 150 के अबव, जहां तक 153 के अबव, तो दोनों को फैक्टर्स को मिलाते हुए एक ही बात बोलती हूँ, अभी आप होल्ड कर लीजिए 129 के स्टॉप लॉस के साथ, 153 के ऊपर अगर इसने क्लोज किया तो बढ़िया तेजी आएगी, 175 तक भी ले जा सकती है, लेकिन समय सीमा 2 से 3 महीना रखनी है। हाँ। तो होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट मैंने आपको दिए हैं 160 और उसके बाद 175। मैम लक को ना बार बार टेस्ट